प्रदेश में इन दिनों सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। तमाम पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी अपनी जीत के लिए, नगर निकाय चुनाव में जीत के लिए अपनी भरतक प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह जाकर कैंपेन कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको वोट दिया जाए। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद में है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी जोगराज राजपूत है। इनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दिया गया है क्योंकि यहाँ महिला सीट है। सर, सबसे पहले आपका न्याय तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी न्याय तक, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए, जिस तरीके से आप यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपको यहाँ के चुनाव में इतना दिलचस्पी क्यों है? हमारे दिलचस्पी इसलिए है, पिछले चेयरमैन रहे हैं उन लोगों ने वो खड़े नहीं उतरे हैं हमारी, और क्या नाम जो है कॉलोनी देख लीजिए आप, जो है 20-20 हजार रुपए लोगों के लिए हैं, लोगों से लिए हैं, बहुत गरीब आदमियों ने मजदूरी करके लोन लेके क्या नाम 20 हजार दिए तब उनको कॉलोनी मिली। मेरा वादा है कि मैं एक पैसा कॉलोनी में नहीं लेंगे, किसी को नहीं देने देंगे ना लेंगे, पूरा घर तक पहुंचाएंगे। क्या मानते हैं कि यहाँ गरीबों पे अत्याचार किया गया? हाँ, गरीबों पे अत्याचार किया गया, पहले गरीबों ने आवाज उठाई फिर उन्हें पैसा देकर उनको दाब दिया गया। आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है? कोई नहीं। आपने कभी राजनीति में इससे पहले कोई कदम रखा, कहीं कुछ काम किया? हाँ, काम किया हम, उसका नाम समाज सेवी भी है और क्या नाम सभासद भी रह चुके हैं। आप हमारी सभासदी 5 साल पुरानी देख लीजिए, कोई हम पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समाज सेवा में कोई ऐसा काम जो आपने यहाँ की जनता के लिए किया हो? गणेश चतुर्थी है और क्या नाम दुर्गा पूजा है और रामलीला में, सब में हम भाग लेते हैं और क्या नाम गौशाला सब में जो दान आराम देते हैं। नगर पंचायत में जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो नगर पंचायत में क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं? समस्याएं यही आती है, हमको कॉलोनी से ठगा गया है, कॉलोनी में पैसे लिए गए 20 हजार लिए गए और क्या यहाँ की जनता परेशान हो रही, बहुत परेशान हो रही। कहीं न कहीं अगर जाति समीकरण के आधार पर देखा जाए तो जिले में अगर मुकेश राजपूत हैं और आप भी एक समाज सेवा के लिए उतरे, आपका अपना समाज आपके लिए कम से कम साथ है, इस पर क्या कहेंगे? हमारे समाज इसलिए साथ में, तीनों प्रत्याशी गुप्ता ही परिवार के दिए गए जी, और कायमगंज जाए बैकबाइट हुई है तो उसे बैकबाइट को किसी दिया जाता, ये तो सामान्य सामान को दिया जाता। चलो फरुखाबाद है, फरुखाबाद शमशाबाद कायमगंज सब गुप्ता ही। ये बताइए, यहाँ नगर पंचायत शमशाबाद है, यहाँ ये हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ लगभग हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत अंतर है, और यहाँ पर कहते हैं कि जब चुनाव अंतिम पड़ाव में आता है तो हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। वो गलत है, वो भड़काया जाता है। अब केजरीवाल में ना तो हिंदू मुस्लिम है मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के हमारे, और ना कोई भाई वो मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है। आप दिल्ली जाके देखिए, पंजाब जाके देखिए, और धुआंधार हर सुविधा मजदूर से लेके ऊपर तक एक समान सबको चलाया जाता। नगर पंचायत में जो पिछले विकास कार्य हुए हैं इनके बारे में क्या कहें? वो तो चेहरा देख के किए जाते हैं। अगर तुम अब उसका नाम तुम उनकी बिरादरी को तो तुम्हारा इस हिसाब किया जाता, तुम उस बिरादरी को तुम्हारा इस हिसाब किया जाता, कोई मुस्लिम पहुंच गया तो उस हिसाब से किया जाता उसका, मतलब चेहरा देख के विकास कार्य। हाँ, विकास किए जाते हैं। कहीं कहीं बस्तियों में, मोहम्मदन बस्तियों में आप देख लीजिए, खड़ंजा तक नहीं बस लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान प्रत्याशी बता रहे हैं कि हमने नगर पंचायत को नोएडा बना दिया है। नोएडा नहीं, कहीं कहीं देखिए आप लालमपुर देव देखिए, यानी कि स्थिति बद से बदतर हो रही है। इसलिए जो है क्या नाम आप दिल्ली में देखिए, एक से एक बेहतरीन देखिए, कार देखिए, और मेरा वादा है कि अगर मैं यहाँ के चेयरमैन बनता हूँ, हर लड़की की शादी में, गरीब लड़की की शादी में जाके खुल जाके 20-25 हजार रुपया हम देंगे, ऊपर से मेरे मुख्यमंत्री का आदेश है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, अगर चुनाव परिणाम आपके पक्ष में आ जाता है तो आप यहाँ पर क्या क्या बदलाव करेंगे? बदलाव ये करेंगे, गरीब को गरीब की नजर से देखेंगे, रईस को रईस की नजर से देखेंगे। वो नजर कैसी होगी जरा बताएं जनता को। जो है क्या नाम गरीब को गरीब के साथ घर पे जाके दरवाजे पे जाएंगे, उसका हालचाल पूछेंगे। विकास कार्य क्या क्या कराएंगे? विकास कार्य सड़कें हैं, कॉलोनी का पूरा फुल पैसा उसके खाते में जाएगा, कोई पैसा कोई नहीं खाएगा उसका। तो पैसा तो अभी भी खातों में जाता है? खातों में जाता है तो वो निकलवा लेते हैं, पहले पहली किस्त आई और पहले 20 हजार मुझे दो, चाहे घर बेच के दो चाहे खुद बिक के लाओ, हमें 20 हजार दो तब तुम्हारी किस्त तुम्हारे खाते में आएगी। इसमें कई खबरें भी चली हैं और ये वास्तविकता भी रही है नगर पंचायत शमशाबाद की, कि जो बेचारे गरीब और लाचार लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया, इसके ऊपर मैंने भी खबर की थी और उसको उच्च स्तरीय जांच बैठी थी। जिनको कॉलोनी मिलना चाहिए उनको नहीं मिली, हम आप जाके आपको हम सर्वे कराएंगे, और जिसे नहीं चाहिए उसे चार चार पांच पांच कॉलोनी मुंह देख के चेहरा देख के दिया गया, पैसे दो कॉलोनी ले जे हुआ।
जो हमारी सरकार में, दिल्ली और पंजाब सरकार में ऐसा कहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब एक समान। आपके कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर हम नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं तो सबको एक समान रूप से समान देखेंगे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने देखा, कोई भी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई वो नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई सब भाईचारे के हिसाब से करो। नगर आप भी जैसे जिस तरीके से वादे कर रहे हो, तमाम प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अलग अलग चुनावी वादे करते हैं, जनता आप पे कैसे विश्वास करे? विश्वास के आप मुख्यमंत्री के देखिए। अरे मुख्यमंत्री नहीं, आप यहाँ के चेहरा होंगे, यहाँ मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार, हाँ आप पार्टी से है उनकी, तो आपको जनता यहाँ आपके चेहरे पे वोट करेगी ना, निकाय चुनाव है, लोकल का चुनाव है, उन्हीं की नीतियों पे हम चलेंगे, जैसा पैसा आएगा उसी हिसाब से हम चलेंगे, उनके आधार पे चलेंगे, उन्हें देख के चलेंगे, खर्चा हम करेंगे, जैसे गरीब को गरीब के हिसाब से देंगे। अब जैसे किसी को चार कॉलोनियां पांच कॉलोनियां जरूरत भी नहीं है, उन्हें दे दी गई है, उन्हें 1,00,000 दिया, उन्हें कॉलोनी ले, और जो परेशान आज भी उसमें रह रहे, मोमिया में पन्नी में रह रहे, उनको नहीं मिली, आज भी हम साक्षात गवाह दिखा सकते, साथ में चल के आपको दिखा सकते हैं। बहुत स्थिति यानी कि दयनीय है, और आप बहुत कड़वी बात बोल गए हैं कैमरे पर कि यहाँ पर नगर पंचायत में जो विकास की गंगा की बात की गई थी कि नगर पंचायत में विकास की गंगा वही है, नगर पंचायत को नोएडा बना दिया गया है इस तरीके से, और आप जो यहाँ की बातें बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये चुनावी भाषा में तो नहीं बता रहे हैं, चुनाव चल रहा है इसलिए बता रहे हैं। और कोई भी आप देख लीजिए जिसके वो क्या नाम, जो उन्हीं के आदमी, उन्हीं के आधार पे काम होता है, उनके इशारे पे काम होता है, जैसे ठेका है तो उन्हें उनका आदमी है तो उन्हीं को मिल रहा, दूसरा कोई है तो उसे नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं। इस समय आप कैमरे पर हैं, नगर पंचायत की 32,000 जनता आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है, आप नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे, हम खड़े उतरेंगे, आप जो है आप कहीं भी हमें देखिए, हमारे इससे पहले पूर्व हम सभासद रहे हैं, कोई भी जो कह दे 10 रुपए के गुनहगार रहे हो, किसी से लिए हो, बाकायदा हमने घर पे मोहर रख दी, आप जो आओ खुद लगा लो और चले जाओ। आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, जो भी आपको जनता से कहना हो, इसमें स्क्रीन पर है, पूरी नगर पंचायत की जनता आपको देख रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं जनता से बताइए? यही कहना चाह रहे हैं, मैं खड़े उतरूंगा और घर घर जाके हम प्रत्याशियों से पैर छू के हाथ छोड़ के वोट मांगेंगे, और आप जो है आगे देख लीजिए 5 साल में क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से हमारे साथ आम आदमी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी पति जोगराज राजपूत जीते, और इन्होंने यहाँ का जो दर्द बताया है नगर पंचायत शमशाबाद का कि यहाँ जो गरीब लाचार लोग थे उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए हैं वो वाकई में एक शोचनीय विषय है। इसके ऊपर मैंने खुद यहाँ पर खबरें की थी जिसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था, और जांच में भी पुष्टि हुई थी कि लोगों से अवैध रूप से वसूली की गई थी और 25,000-30,000 रुपए लोगों से लिए गए थे। ये बहुत ही शोचनीय विषय था जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के ऊपर एक निशान लगाता है, और यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के ये प्रत्याशी जोगराज राजपूत जी हैं, और इन्होंने भी इसकी पोल खोल दी है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, क्या किया गया, और अब ये बदलाव चाहते हैं। ये कहते हैं 1 बार 5 साल में हमको मौका मिलता है और हमको एक बार मौका देके देखिए, क्योंकि विश्वास ही आदमी पे किया जा सकता है और 5 साल में ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ जाता है, ये इनका कहना है, इस हिसाब से ये बता रहे हैं। और बाकी हम और कई प्रत्याशियों का साक्षात्कार करेंगे और नगर पंचायत शमशाबाद का ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे कि नगर पंचायत की जनता आखिर किसको चाहती है, क्योंकि ये लोकल का चुनाव है और लोकल के चुनाव में प्रत्याशी के चेहरे पर वोट किया जाता है, ना कि पार्टी के। हालांकि पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता होते हैं वो देते हैं, बाकी लोकल का चुनाव होता है, और हम नगर पंचायत का भी ओपिनियन दिखाएंगे कि जनता आखिर किसको चाहती है। तब तक के लिए नमस्कार।